हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सिंपल कुर्ती की कटिंग का बॉडी पैटर्न। एक नॉर्मली पैटर्न हम तैयार करके रख लेते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि कभी जल्दबाजी में है, कौन नापे कौन करे, जल्दी से वो पैटर्न उठाया, अपने फैब्रिक पे प्लेस किया और कटिंग कर ली। तो इसके लिए हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक कुर्ती की कटिंग करने के लिए, सबसे पहले हमारा तीरा, फिर हमें चाहिए होता है हमारा शोल्डर, और फिर ब्रेस्ट साइज़, उसका कमर का साइज़, हिप साइज़ और हमारा घेरा और कुर्ती की टोटल लेंथ। जैसे हम इसे ड्रॉ करेंगे इस पैटर्न को, वो हम देखते हैं। इसमें जो मेरा तीरा है, जो मेरे पास नाप है उस तीरे के अकॉर्डिंग, ये 13 इंचेज़ है, तो हम तीरे का हाफ लेते हैं। और शोल्डर हमारा 7 इंचेज़ आता है। इसमें जो इसका ब्रेस्ट साइज़ है वो 34 है, और 34 का फोर्थ पार्ट हम लेंगे। अगर आप कपड़े को कपड़े से किसी कुर्ती का नाप ले रहे हो, तो जो हम नाप ले रहे हैं उसका हाफ करेंगे, और जब आप किसी की बॉडी से उसका नाप ले रहे हो तब हम उसका फोर्थ पार्ट लेंगे। इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम कपड़े को लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है, जब भी हम कोई सूट का नाप लेते हैं कुछ भी, तो हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, ये चीज़ तक, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो दैट मीन्स ये उसका ऑलरेडी फोर्थ पार्ट है, अगर आप उसको हाफ़ करके करते हो। अगर आप सीधा स्ट्रेट लेते हो तब हम उसका हाफ लेंगे, और जब आप किसी की बॉडी से लेते हो तब आप उसका 1/4 करोगे। तो ये किसी की बॉडी का नाप लिया हुआ है, तो दैट मीन्स ये उसका 1/4 आएगा, तो 8.5 आएगा। कमर का नाप है उसका 28, उसका फोर्थ आएगा 7 इंचेस। जो हिप राउंड है वो है 38, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आएगा 9.5 इंचेस। और घेरा हमारा जो है वो आएगा 10 इंचेस। इसमें जो कुर्ती की टोटल लेंथ है वो है 42। अब मैं आपको ये बता दूं कि अब ये जो मेजरमेंट्स है कितनी इंचेस की लंबाई पे हमें लेने हैं। ये तो 7 इंचेस पे ब्रेस्ट साइज आएगा हमारा इसी की 7 इंचेस वाले पॉइंट पे, कमर आएगी हमारी 14 इंचेस पे। ये वेरी करता है डिपेंड कि जब हम नाप लेते हैं तभी हमें पता चल जाता है कब आती है, क्योंकि ऊपर हमें हाफ इंच शोल्डर स्लोप का भी देना है, स्टिचिंग में भी जाएगा, तो ये 13 के आसपास बैठेगा। और इसकी हिप राउंड आएगा 21-22, कोई इससे ज़्यादा भी रखता है, कोई इससे कम भी रखता है। और यहीं से हमारे स्लिट शुरू होते हैं, और घेर वहीं से हमारा स्टार्ट होता है, घेर बिल्कुल एंड पे आएगा, और हमारी टोटल लेंथ आएगी 42 इंचेस। तो देखते हैं हम इस पेपर पे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो भी पेपर है हमारे पास, हम उसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद ये हमारा बंद वाला हिस्सा है और ये हमारा ओपन वाला हिस्सा है। बंद वाले हिस्से से हम अपना शोल्डर नापेंगे, वो आया था 13 इंचेस, और इसका हाफ आएगा, हमें यहाँ पे इसका हाफ रखना है, तो इसका हाफ आएगा 6.5 इंचेस। हम 6.5 इंचेस पे एक निशान लगा लेंगे, और यहीं से हम इसे डाउनवर्ड में लेंगे 7 इंचेस, यहाँ से भी पहले हम 6.5, इसको यहाँ से हम स्ट्रेट कर लेंगे, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमें मिलाना है। यह आ गया हमारा शोल्डर वाला हिस्सा। अब इस पॉइंट से हमें 3 निशान लगाने हैं। पहला रहेगा हमारा, ये हमारा लग गया शोल्डर वाला, और ब्रेस्ट पॉइंट भी कह देते हैं हम इसे। इसके बाद हमारा आएगा कमर का, जो हम लगाएंगे 14 इंचेस पे। उसके बाद हमारा आएगा कमर वाला हिस्सा, तो कमर वाला हिस्सा हम लेंगे 22 इंचेस पे। इनको लेने के बाद हम यहाँ से इन लाइंस को स्ट्रेट कर लेंगे।
इन लाइंस को स्ट्रेट करने के बाद अब हमें यहाँ पे लेना है 8.5 जो हमारे ब्रेस्ट का फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ हिस्सा है 8.5 यहाँ पर, और कमर है हमारी 28 का फोर्थ आएगा 7 इंचेस, 7 यहाँ पे आया, और हमारा जो कमर वाला हिप वाला पोर्शन आएगा, हिप है 38 तो इसका आएगा 9.5। ये है हमारा पैटर्न। में हम कभी भी सीम अलाउंस ऐड नहीं करते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे सीम अलाउंस के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हो, बट पैटर्न जब भी बनाते हैं तब हम सीम अलाउंस ऐड नहीं करते हैं। बट जब आप पैटर्न नहीं कट कर रहे हो तब आप इन्हीं पॉइंट्स के साथ 1.5 इंच का सीम अलाउंस साथ के साथ ऐड कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको कटिंग करने में भी आसानी रहेगी और आपके पास सीम अलाउंस भी आ जाएगा। यहाँ पे हम सीम अलाउंस ऐड कर लेंगे। अब हमें इसकी शोल्डर की कटिंग करनी है। ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हो गए, इनको हमने नाप लिया। अब यहाँ से जो हम नेक विड्थ रखेंगे अपनी, वो रखेंगे 3। कोई 3 रखता है, कोई 2.5 रखता है। जिसका शोल्डर छोटे होते हैं, ज़्यादा कंधे गिरते हैं, वो थोड़ा कम भी रख सकता है। और मेरे वाले पैटर्न में बेसिकली 3 इंचेस रहता है। हम यहाँ पे नेक का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे स्लोप पॉइंट लगाएंगे। इसे हम डाउन करेंगे, दैट मीन्स इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे और यहाँ से हम 1 इंचेस अंदर को लेंगे। 1 इंच अंदर लेने के बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। और अब यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से 6.5 आ रहा है और इसका 1/2 लेंगे तो ये 3.2 बैठेगा। यहाँ से भी इसका 1/2 ले लेंगे हम। अब ये जो हमारा 1/2 वाला पोर्शन है, यहाँ से हमें अपने शोल्डर की कर्व देनी है। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा हो गया और ये हमारा बैक वाला हिस्सा हो गया। ये हमारा शोल्डर स्लोप और ये हमारी नेक विड्थ। ये हमारा बस्ट पॉइंट, ये हमारा वेस्ट पॉइंट, और ये हमारा हिप पॉइंट। अब हमें इन 3 पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। आप चाहो तो स्ट्रेट स्केल भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे रखेंगे 1 पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये हमारा बेसिक पैटर्न है। अब हम इन शोल्डर पॉइंट्स को पहले बैक साइड का पॉइंट कट करेंगे। बैक साइड का पॉइंट कट करने के बाद हम अपना शोल्डर स्लोप कट कर लेंगे और फिर ये हमारा जो हमने जो यहाँ पे ये मार्जिन लिया था, इस मार्जिन को भी हम
एज इट इज़, जैसे हमने अपना इंटरनल पॉइंट्स मिलाए थे वैसे हम ये मार्जिन वाली लाइन को भी मिला लेंगे। बट एक्चुअली क्या होता है कि हमें जब भी हम पैटर्न बनाते हैं हमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है पैटर्न में, तो हम मार्जिन नहीं लेते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लिया है कि हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे, तो हम इस पॉइंट से, ये वाला जो हमारा पॉइंट आता है, इस पॉइंट से मैं बॉडी के पैटर्न को कट करूँगी। आप चाहे तो मार्जिन से भी कट कर सकते हैं, मार्जिन से कट करेंगे उससे कर लीजिए, अदरवाइज ये आपका जो बॉडी पैटर्न रहेगा वो यहाँ से कटिंग होगा। ये हमारा बेसिक पैटर्न कट किया है मैंने। अब इसका फर्स्ट फ्रंट पार्ट नहीं कट किया है क्योंकि मैंने पेपर फोर फोल्ड नहीं लिया था, इसलिए मैंने इसका फ्रंट पार्ट कट नहीं किया है। जब भी बॉडी पैटर्न लेते हैं तो इसका बैक पार्ट कट करते हैं और ये हमारा बॉडी पैटर्न बन के तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।